होली का त्यौहार मुख्य रूप से रंगों का त्यौहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसी कड़ी में प्रयागराज में किन्नर समाज ने बहुचारा माता के साथ फूलों की होली खेलकर अपनी होली की शुरुआत की। ऐसा माना गया है कि इस समाज के होली खेलने के बाद नगर वासियों को आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए किन्नर समाज की ओर से रंगारंग होली का आयोजन किया गया, जिसमें गुलाब की पंखुड़ी, फूल, रंग, गुलाल से होली खेली गई। इस दौरान पहले बहुचारा माता की पूजा की जाती है, उनको रंग गुलाल लगाया जाता है और गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद फूलों की टोकरी को सर पर रखने के बाद ही किन्नरों के होली खेलने की शुरुआत होती है। किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि किन्नर आश्रम में सभी किन्नरों ने बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया। मेरे आश्रम में सभी किन्नर बच्चे लोग आए और होली का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को हम लोग ने बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाए और सबसे पहले हमारे इष्ट देवी बहुचरा माँ के सिर चरणों में अबीर गुलाल और शिव भगवान के सिर चरणों में अबीर गुलाल और पंखुड़ियाँ डाली। उसके बाद हम लोग ने आज होली एक दूसरे को अबीर लगा के और पंखुड़िया के होली हम लोग ने खेला। इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये त्यौहार एक भाईचारा के त्यौहार है। ये सनातन धर्म में सारे सिकुआ गीला भूल के और सारे दुश्मनी को भुला के एक दूसरे को गले लगा के और रंग लगा के अबीर लगा के इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये भाईचारा के त्यौहार है। एक समाज में सभी रंग का महत्व है, सातों रंग का ये त्यौहार है, तो सातों रंग का महत्व ऐसे ही हमारे समाज में भी किन्नर समाज इसी समाज के एक अभिन्न अंग है, तो किन्नर समाज का भी उतना ही समाज में योगदान है। इस भाव के साथ आज हम लोग ने होली खेला और बहुत अच्छा लगा और हम लोग यही कहना चाहते हैं। और एक हम लोग का परंपरा है बहुचरा माँ के जो सिर चरणों में हम लोग जो पंखुड़ियाँ डालते उसके डोलची डलिया सर पे लेके हम लोग होली खेलते हैं, तो आज हम लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुचरा माँ के सिर चरणों में हम लोग ने पंखुड़ियाँ डाल के फिर अपने सर पे डलिया लेके आज हम लोग ने होली का त्यौहार मनाया। आज हम लोग होली की जो हमारी रंग भरी एकादशी है, हमारी एकादशी होने के बाद होली की शुरुआत हो जाती है एकादशी के दिन से ही, तो हम लोग आज हमारे कुल देवी हमारे बहुचरा जी के पूजा करके उनके श्री चरणों में गुलाल लगा के हम लोग ने आज होली उत्सव चालू किए हैं और हमारे गुरु के श्री चरणों में, क्योंकि हमारे सनातन में एक परंपरा है कि बड़ों को पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है, तो हम लोग अपने गुरु के श्री चरणों में गुलाल रख के हम लोग ने आशीर्वाद लिया है और होली खूब धूमधाम से मनाई है। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी सब लोग खुशियाँ मनाइए, होली सबका त्यौहार है। होली हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व है क्योंकि इसमें हमारे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। माना जाता है कि किन्नर समाज के बहुचारा माता को रंग लगाने के बाद से ही होली की शुरुआत हो जाती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।